नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज 24। मैं हूं जिला सीतामढ़ी से दीपक पटेलिया। तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं मेजरगंज प्रखंड के डुमरी कला पंचायत राजकीय आदर्श विद्यालय की है, जहां पर भोजन कैसे बच्चों को मिल रहा है इससे लेकर के आज मैं यहां पहुंच चुका हूं, आपको लेकर चलेंगे। सबसे पहले भोजन के तरफ बच्चे से बातचीत भी करेंगे और भोजन किस प्रकार से यहाँ पर बच्चों को मिलता है वो सारी जानकारी मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैं रसोई घर में पहुंच चुका हूं। यहां पर आलू को उबाल करके साफ सुथरा फ्रेश खाना बनाया जा रहा है। गौर से आप देख सकते हैं अंदर की तस्वीरें मैं दिखाऊं कि यहां पर जो है ये भरता बनाया जा रहा है, जिसे आलू का चोखा बोला जाता है। खिचड़ी का दिन है और खिचड़ी के दिन में जो है ये जो आलू का चोखा इतना टेस्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। क्या बना रही हैं अभी आप? पालक बना रही हैं। क्या समस्या है आप लोगों का? समस्या यह है आज की से बिहार सरकार हमी के लिए पैसा कौड़ी न बढ़ावित है, 1500 रुपया देता है, वैसे हमी के कथी हो। क्या काम करते हैं? रसोईया है आप? हाँ, रसोईया थी। आप बताइए। यही बात है, पैसा से पेट नहीं भर रहा है। कितना मिलता है? 1500। कितना घंटा काम करते हैं आप लोग? कितना घंटा काम करते हैं? 9 बजे से 4 बजे तक रहते हैं। 9 बजे से। और 1500-1600 रुपया मिलता है। ये देख सकते हैं तस्वीरें जो रसोईया की है, और रसोईया जो है लगभग 7-8 घंटे काम कर रही है और 1600 रुपया मिल रहा है। इससे गुजारा हो जाता है आप लोगों की? नहीं होता है? नहीं होता है। जिला अधिकारी से क्या कहना चाहते हैं आप लोग? पैसा बढ़ाने के बाद पैसा बढ़ाई ना, कोई काम हो। 9 बजे से 4 बजे तक खटते आदमी के की विकास होते? 1500-1600 रुपया से बाल बच्चा खटे की अपने पेट के लोग कमाई से अपने पेट के लोग कमाई से। पढ़ाई में मन लग रहा है आप लोगों को? जी सर। मैम टाइम से आ जाती है? जी सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? जी सर। समय पे भोजन मिल जाता है? जी सर।